कद्दू की फसल लगाई है, तो कद्दू से कद्दू की लाइन की दूरी ये हमने 15 फीट रखी है। इसका बीज हमारा करीब 200 वर्ष पुराना बीज है। इसके फल की वजन 15 किलो से 50 किलो तक के इसके फल बनते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी ये फल होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपने देसी बीजों को लगाया यहाँ पे, और इसका पिक्चर अभी देख रहे हो, ये 15 अप्रैल को लगाया, भयानक गर्मी झेला इसने, 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेलने के बाद आपको ये सारी रंगत इसमें फसलों में दिख रही है। अभी हम लोग इसको लाइन से लाइन की दूरी, दो लाइन की दूरी 15 फीट रखी, और पौध से पौध की दूरी दो दो फीट पे एक एक बीज लगाया। घर का बीज है, 98% इसका जर्मिनेशन हुआ है, 98%। हमने दो दो फीट पे एक एक बीज इसीलिए लगाया कि कम बीज में हमारी ये खेती होनी चाहिए। अब दो दो फीट पे एक एक बीज लगाया तो अगर इसमें के दो बीज ना भी निकलते, 10 फीट में दो बीज ना भी निकलते, तो भी उसके पॉपुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन इसका जर्मिनेशन 98% हुआ। इस तरह से एक तो हमने बीजों को बचाया कि कम से कम बीज में इसकी एक एक बीज लगा के इसकी बुआई की। अब ये पहले हमने यहाँ ज़मीन तैयार करने के बाद इसमें अलौकिक खाद एक एक ऐसा आंजुल भर के, धोबा भर के, वहाँ पे उसके जहाँ बीज लगाया वहाँ पे इसके गोबर की खाद डाली है, और प्रति एकड़ ये 3 साल के बाद यहाँ पे टर्न आया तो 4 एकड़ गोबर की खाद डाली है इसमें। इस तरह से ये खाद डाल के आज ये फसल दिख रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज येलो मोज़ेक का है। आज कद्दू के ऊपर येलो मोज़ेक बहुत बड़े पैमाने पे आता है, लेकिन हमारे ये कद्दू में किसी भी प्रकार का येलो मोज़ेक नहीं है। तो ये हमारा घर का बीज होने से इसके हमने बड़े पैमाने पे बुआई की है, तो बीज का खर्चा बचा। कोई खाद, गोबर खाद के अलावा कोई खाद दूसरा देते नहीं बाहर से, हम इस पर कोई स्प्रे नहीं करते। 2007 से हमने दवा मारनी बंद कर दी है, क्योंकि प्रकृति के रहस्यों को हमने समझ लिया है कि 25% इसमें शाकाहारी कीट है, 75% मांसाहारी है, और बाद में बर्ड्स है। तो ये इतना बड़ा 25% शाकाहारी वनस्पतियों को खाते हैं और 75% इनको खाते हैं, और बर्ड्स वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो इतना बड़ा कीट नियंत्रण का काम है, तो हमें कोई दवा मारने की ज़रूरत नहीं। तो 2007 से हमने कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर फसल रिकॉर्ड आ रही है, जहाँ दवा मारी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ दवा मारने भी बंद कर। अब ये कद्दू के बाद फिर हमारा सेकंड राउंड में हम कद्दू के ऊपर फिर हम ओनियन लगाते हैं, हम धनिया लगाते हैं, हम इसमें पालक लगाते हैं, मूली लगाते हैं, कई प्रकार के काम इसमें से कोई एक चयनित करते हैं और उन फसलों को लगाते हैं कद्दू में।